नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसकी मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिसका प्रयोग करके आप अपनी ब्लॉक नसों को खोल सकते हैं और कमज़ोर नसों को ताकत देकर उसमें खून का प्रवाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये प्रोस्टेट कैंसर और गुर्दे की पथरी में अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों जिनको स्टेमिना की कमी है या जो शीघ्र डिस्चार्ज होते हैं उनके लिए ज़बरदस्त है, ये वीर्य दोष को दूर करके वीर्य को गाढ़ा बना देता है। दोस्तों ये अद्भुत और चमत्कारी जड़ी बूटी ये जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में बरसात के समय में अपने आप ही मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ बारीकी से, ताकि आपको इसके फ़ायदे अच्छी तरीके से मालूम हो और आप इसकी पहचान करके लाभ पा सकें। दोस्तों इस औषधि को छूने से ही ये मुरझा जाती है, लज्जा जाती है, इसलिए इसको लज्जालू, छुई मुई, शर्म हया, लाजवंती के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। दोस्तों इसके कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें से ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये है लाजवंती की पीली फूल वाली प्रजाति का पौधा। और दोस्तों जिनका वीर्य दोष है या फिर वीर्य पतला है, तो गाढ़ा करने के लिए लाजवंती को 50 ग्राम लाजवंती का काढ़ा नियमित सेवन कर दीजिएगा, एक महीने में ही समस्त प्रकार के वीर्य दोष दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये शीघ्र डिस्चार्ज की समस्या को दूर करके स्टेमिना को बढ़ाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, लाजवंतू 10 ग्राम और अकरकरा 5 ग्राम, इन दोनों को इतनी मात्रा में 10 ग्राम लाजवंतू, अकरकरा 5 ग्राम एक गिलास दूध में डाल करके खूब पकाएं। जब दूध मलाई जैसा हो जाए तब छान करके इसको पी लें। ऐसा 15 से 20 दिन करने से ही दोस्तों खूब, जिनकी टाइमिंग क्षमता 0 वो भी अनलिमिटेड हो जाती है और शीघ्र डिस्चार्ज समस्या दूर होती है। अब चलिए दोस्तों बात करता हूँ जिनको नसों के ब्लॉकेज हैं, नसों के ब्लॉकेज जिनको गठिया बात होता है, आम बात होता है, उसके कारण हो जाते हैं नसों का ब्लॉकेज। दोस्तों चोट रोग के कारण हो जाते हैं, जैसे कहीं चोट लग जाए, कहीं गिर पड़े, एक्सीडेंट हो जाए या फिर लकवा हो जाता है, ऐसे में नसों का ब्लॉकेज हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको हल्दी लेना है 10 ग्राम, पुरनवा की जड़ें लेने 20 ग्राम, अका जो है आपको लेना है, धतूरे के बीज जो लेना है वो 100 ग्राम और ये लाजवंती लेना है 100 ग्राम। इन सभी औषधियों को 250 ग्राम अंडे के तेल में डाल करके दोस्तों खूब पका लेना है, अच्छी तरीके से पाक के लाना। जब ये सभी औषधियाँ जल करके काली पड़ जाएं और मात्र तेल बचे, तब इस तेल को छान करके शीशी में भर ले। इसको अगर आप अपनी ब्लॉक नसों पर मालिश करते आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों पर, तो ये ब्लॉक नसों को खोल देता है। दोस्तों प्राइवेट पार्ट में जो नसें ब्लॉक हो जाए, जिससे आपका जो है ताकत नहीं आती और शीघ्र डिस्चार्ज समस्या हो, तो उसमें अगर एक बूंद लगा देते हैं तो समस्त प्रकार की कमजोरी दूर होती है। दोस्तों इतना ही नहीं, जिनको लकवा की समस्या है, लकवा की समस्या में इसी तेल को मालिश करिएगा तो ज़बरदस्त फायदा होता है। दोस्तों जिनको गुर्दे की पथरी है, गुर्दे में दर्द हो रहा है, ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए भी आप इस औषधि पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि गुर्दे की खराबी है, अगर जैसे कि गुर्दे की पथरी है, बहुत पुरानी गुर्दे की पथरी है, तो उसमें आपका इसको कैसे प्रयोग करेंगे। आपको लेना है 100 ग्राम लाजवंतू का छाया में सूखा हुआ पंचांग, 50 ग्राम लेना है गोखरू, 25 ग्राम लेना दोस्तों कांस की जड़, और इसमें आपको 50 ग्राम ले लेना पाषाण भेद। इन सभी औषधियों को लेकर के आपको कूट पीस करके चूर्ण तैयार कर लेना। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होता है ये चूर्ण, अगर खाना खाने के बाद सुबह और शाम इसका सेवन रेगुलर रूप से किया जाए। एक चम्मच इसको आप लीजिएगा और ऊपर से आप एक गिलास आप पानी पी लें हल्का गुनगुना, तो ये पथरी रोग को दूर करता है, गुर्दे में दर्द, गुर्दे में इन्फेक्शन को ये ज़बरदस्त काम करता है। पथरी कैसी भी हो, नई पथरी हो, पुरानी पथरी हो, पथरी को टूट टूट करके पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकाल देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन ऑपरेशन हो गया और बार बार पथरी बनती है, ऐसी पथरी को दूर कर देता है और पथरी की समस्या से निजात पाता है। दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, तो प्रोस्टेट कैंसर में आप पुनर्नवा, भुई आमला और ये जो लाजवंतू देख रहे हैं, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के, पुनर्नवा, भुई आमला, लाजवंतू, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में लेकर के आप कूट करके मोटा मोटा डिब्बे में भर करके रख ले। 500 ग्राम पानी में 2 चम्मच शाम को डाल दिया करें, सुबह उबाल करके चाय के कप के बराबर बचे तो छान करके खाली पेट पी लिया करें। ऐसे ही शाम को भी यही स्थिति दोहराते हैं। तो ये प्रोस्टेट कैंसर में जब प्रोस्टेट बुढ़ा बढ़ा पाता है या थोड़ा और आप एज के हो जाते हैं, तो प्रोस्टेट का मास बढ़ने लगता है, इस अंग कारक के प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। तो दर्द सूजन प्रोस्टेट कैंसर में
अद्भुत और चमत्कारी अविश्वसनीय काम करता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, पहचान लीजिए इस दिव्य जड़ी बूटी को, इस चमत्कारी जड़ी बूटी को। इसका नाम है शर्मिहया, क्योंकि छूने से शर्मा जाती है, लजवंती छुई मुई इसको कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, मैं नई नई वीडियो बना के लेता रहता हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेगा अगले वीडियो में, धन्यवाद।